तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपके व्यूज डाउन क्यों होने लगते हैं बाद में, और मेरे व्यूज भी क्यों इतने कम आ रहे हैं किसी किसी वीडियो में, किसी किसी वीडियो में ज्यादा आ रहे हैं, वो मैंने आपको पूरा क्लियर करके बताया था पिछले वीडियो में। स्टूडियो में ले जाके मैंने आपको दिखाया था कि वहां पे व्यूज मेरे डाउन क्यों हो रहे हैं और क्या क्या इसके कारण है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टूडियो की पूरी सेटिंग बताऊंगा यूट्यूब स्टूडियो की, कि उसमें क्या क्या आप कहाँ से चेक कर सकते हैं, कहाँ से देख सकते हैं, कहाँ से व्यूज, कहाँ से सब्सक्राइबर, कितना पूरा वहां पर रिटेंशन देख सकते हैं, और वहीं से आप अपने वीडियो को फॉलो भी कर सकते हैं। अपने वीडियो में कौन सा वीडियो अच्छा है, किस तरह का वीडियो हम बनाए तो मेरा ज्यादा फायदा होगा, वो सभी तरीका मैं बताऊंगा। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगा दोस्तों उसमें बताऊंगा आपके व्यूज जो डाउन हो रहे थे उसको कैसे फिर सही कर सकते हैं आप, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे मेरा डाउन हो गया तो मेरा सही नहीं होगा, मेरा भी सही होगा, मैं धीरे धीरे अपना व्यूज सही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा नहीं सही हो रहा। और मैंने आपको कारण बताया था कि क्या क्या कारण है, उससे कई 3-4 कारण है, 5 कारण है व्यूज डाउन होने के। तो पांचों कारण का तो एक ही रिलेशन, यहाँ पे सोल्यूशन नहीं होता, अलग अलग सोल्यूशन होते हैं। मेरा जो डाउन हो रहा है वो मैं कैटेगरी चेंज किया हूँ, मतलब सॉरी यहाँ पे कैटेगरी से मैं मतलब थोड़ा सा वीडियो मेरा दूसरे टॉपिक पे आने लगा है, यूट्यूब से रिलेटेड मैं शॉर्ट अर्निंग पे बनाता था तो इसलिए मेरे व्यूज डाउन हो रहे हैं। अब मेरे ऑडियंस जो है वो जैसे जैसे यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे इंटरेस्ट लेंगे या फिर यूट्यूब वाले ऑडियंस जो धीरे धीरे आएंगे, वो जब आएंगे तब मेरा इस सभी वीडियो का व्यूज बढ़ेगा। अदरवाइज जो दूसरा शॉर्ट अर्निंग में बना रहा हूँ उसका व्यूज मेरा ऑलरेडी बढ़ रहा है, उससे नहीं दिक्कत है मेरे। लेकिन जो ये यूट्यूब वाला रिलेटेड वीडियोस है उस पे जो है वो मेरा व्यूज जो है वो, क्योंकि उसके सब्सक्राइबर मेरे पास नहीं है, उसके ऑडियंस मेरे पास नहीं है, तो उस पे व्यूज कम आएंगे। और जो तरीके थे उसका मैं सोल्यूशन बताऊंगा वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में बताऊंगा कि यूट्यूब स्टूडियो पे आप पूरा सेटिंग कैसे चेक कर सकते हैं, पूरा आप अपना वीडियो का एनालिटिक्स कैसे देख सकते हैं, यूट्यूब का एनालिटिक्स कैसे देख सकते हैं, मैं पूरा तरीका बताऊंगा। और वहां से अपने वीडियो को क्रिएटिविटी में आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला, तो आप पूरा सेटिंग समझ लीजिएगा, मैं आपको इस वीडियो में पूरा सेटिंग बताऊंगा। तो चलिए मैं वीडियो को चालू करता हूँ, चलता हूँ अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पे। YouTube स्टूडियो में आ गया, यहाँ पे आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे अपने फ़ोन में अगर जो यूज कर रहे हैं तो YouTube स्टूडियो का। अब यहाँ पे मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पे आपका पहले लोगो दिखाई देगा और आपके चैनल का नाम दिखाई देगा, एप्लीकेशन जैसे ही आप ओपन करेंगे वैसे ही। उसके बाद यहाँ पे आपके चैनल का एनालिटिक्स दिखाएगा, आपके चैनल में जो है लास्ट 28 डेज में यहाँ पे देख सकते हैं दिखा, लास्ट 28 डेज में जो यहाँ पे आपके चैनल पे हुए हैं व्यूज देख सकते हैं कितना आया आपका लास्ट 28 डेज में, तो यहाँ पे 4700 व्यूज आए हैं। उसके बाद यहाँ पे वॉच टाइम हावर देख सकते हैं, 183 घंटा मेरा वॉच टाइम है, और सब्सक्राइबर कितने आए हैं लास्ट 28 दिन में तो 77 यहाँ पे आए, तो मेरा वो दिखाई दे रहा। उसके बाद आपको ये जो सबसे लेटेस्ट वीडियो होगा, नया वीडियो होगा, अभी 46+ मिनट पहले मैंने इसको डाला है, यहाँ पे उसका पूरा रैंकिंग दिखाएगा, व्यूज दिखाएगा, 3 व्यूज आए हैं अभी यहाँ पे देख सकते हैं, और ये वीडियो पूरा आपका दिखाई देगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको पूरा कंटेंट दिखाएगा, जो भी आपका पूरा कंटेंट है यहाँ से दिखाई देगा, फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो। अब व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा दिखाई देगा, उससे पहले यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका पूरा कमेंट्स दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ आपको पूरा समझ में आ गया। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके एनालिटिक्स के बारे में बता देता हूं, उसके लिए आपको व्यू मोर पे क्लिक कर देना है। अभी मैं चैनल के एनालिटिक्स के बारे में बता रहा हूं, बाद में वीडियो को एनालिटिक्स के बारे में भी बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में मैं चैनल का पूरा एनालिटिक्स बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ पे व्यूज फाइंड कर सकते हैं, कैसे यहाँ पे सब्सक्राइबर देख सकते हैं, क्या क्या कारण है पूरा मैं दिखा देता हूँ। तो जस्ट यहाँ पे व्यू मोर पे आपको क्लिक कर देना है, जैसे ही आप व्यू मोर पे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ये ओवरव्यू का ऑप्शन है फर्स्ट ऊपर, और उसके बाद कंटेंट का ऑप्शन है, फिर ऑडियंस का ऑप्शन है। दोस्तों ये उस चैनल के लिए जो मोनेटाइज नहीं है, मोनेटाइज जो चैनल हो जाते हैं उनके जो ये ओवरव्यू कंटेंट ऑडियंस है उनमें और भी ऑप्शन आ जाते हैं। फिलहाल मैं बिना मोनेटाइज वालों के लिए ये बता रहा हूँ, जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो आपको मैं मोनेटाइज वाला भी बता दूंगा, फिलहाल अभी नेक्स्ट वीडियो में बाद में बता दूंगा जो मोनेटाइज वाले चैनल हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं योर चैनल गॉट, यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट 28 डेज में मेरा 4450 व्यूज आए हैं, और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा जस्ट इस वाले आइकन पे मैं क्लिक करूँगा इस तरह, तो रोजाना बेसिस पे आप देख सकते हैं कि कितना व्यूज आपके आए। जैसे बीच में मेरा देख सकते हैं 31 को 336 व्यूज आए थे, फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 230 व्यूज आए हैं 6 सितंबर को। तो ये मेरा नया चैनल है बहुत ही, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप अगर जो आप नए नए चैनल पर नए हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं बिगिनर अर्निंग इस चैनल का नाम है दोस्तों। यहाँ पे आपको जो कंटेंट मिलता है वो आपको यहाँ पे शॉर्ट अर्निंग से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे एडवांस लेवल के रिलेटेड है, जो आपको एडवांस लेवल पे जाता है आप पैसे भी इनकम कर सकते हैं, जैसे ट्रांसक्रिप्शन,
फ्रीलैंसिंग वर्क, सीपीएम मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, इस तरह का मैं यहाँ पे कंटेंट डाल रहा हूँ। तो ये चीज़ आपका हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 अगस्त से 6 सितंबर तक यहाँ पे 28 दिन का एनालिटिक्स दिखाई दे रहा, किसी भी दिन पे आपको कितने व्यूज़ मिले थे वो पूरा आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जस्ट इस तरह का आपको दिखाई देगा। अब यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद ये तो हो गया व्यूज़ दोस्तों, और यहाँ पे देख सकते हैं टॉप वीडियोज़ दिखाई देगा। लास्ट 28 दिन में आपका जो टॉप यहाँ पे वीडियो रैंक कर रहा है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इससे आपको क्या फ़ायदा है? मैंने आपको कहा था कि आप वीडियो वायरल होने में आपका फ़ायदा होगा यहाँ से, तो जस्ट यहाँ पे एक ही चीज़ का फायदा कि आप देख सकते हैं कि लास्ट 28 दिन में मेरा कौन सा वीडियो परफॉर्मेंस किया है। जैसे मेरा गोट ट्रांसक्रिप्शन का परफॉर्मेंस किया है, जेंजो ट्रांसलेस का परफॉर्मेंस किया, तो इसी से रिलेटेड मैं दूसरा वीडियो भी बना दूंगा। जैसे मैंने ट्रांसक्रिप्शन का वर्क यहाँ पे गोट ट्रांसक्रिप्शन का है, जेंजो ट्रांसलेशन का वर्क भी जो यहाँ पे, ये जो मेरा दोस्तों सिंपल सी बात है पांचों वीडियो जो रैंक कर रहे हैं, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर जो यहाँ पे व्यूज आए वो सभी ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड ही वीडियो हैं। मैं यहाँ पे फ्रीलैंसिंग से रिलेटेड भी वीडियो बना चुका हूँ, कॉपी पेस्ट से भी एक दो वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन सभी जो मेरे रैंक हैं वो मेरा यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से रिलेटेड ही है। इसीलिए मैं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से रिलेटेड वीडियो ज़्यादा बना रहा हूँ इस चैनल पे। मेरा जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वीडियो सभी ट्रांसक्रिप्शन पे ही है, ये सिर्फ आप देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट 48 घंटे में जो आपका चैनल रैंक कर रहा है उसका भी दिखाएगा। जो गो ट्रांसक्रिप्शन व्यूज पे मेरा 202 व्यूज आए हैं लास्ट 48 घंटे में। उसके बाद यहाँ पे गो ट्रांसलेशन पे मेरे 106 व्यूज आए हैं। तो इस तरह का भी आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया कि आप यहाँ से लास्ट 28 डे में, लास्ट 48 घंटे में ये सभी चीज़ देख सकते हैं। और यहाँ पे यही चीज़ का आपका फ़ायदा कि उसी से रिलेटेड आप जब वीडियो बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अर्निंग होगी। अब यहाँ पे दोस्तों सॉरी व्यूज आएंगे ज़्यादा। अब ये नेक्स्ट आपको इसको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपका वॉच टाइम दिखाएगा और कितने दिन पे कितना वॉच टाइम है ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। जस्ट इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं 11 घंटा वॉच टाइम मेरा 31 अगस्त को था। यहाँ पे आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपका वॉच टाइम पूरा दिखाई देगा। जिस दिन ज़्यादा व्यू जाएंगे उस दिन ज़्यादा वॉच टाइम आपको मिलेगा ये। और यहाँ पे लास्ट 28 डे है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप कोई भी महीने का आप चूज कर सकते हैं। जिस मंथ का आपको देखना है उस मंथ का आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर जो लाइफ टाइम का देखना चाहते हैं तो लाइफ टाइम भी सिलेक्ट करके देख सकते हैं। जैसे मैं लाइफ टाइम में सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं 225 घंटे यहाँ पे मेरा वॉच टाइम पूरा हो गया है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है सब्सक्राइबर। आप यहाँ से सब्सक्राइबर भी देख सकते हैं कितने दिन कितना सब्सक्राइबर आया है, कितना दिन क्या आपको मिला सब्सक्राइबर। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे कंटेंट का। आपको कंटेंट पे आना और क्लिक करना। जैसे ही आप कंटेंट पे क्लिक करेंगे आपको इस तरह का मिल जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे व्यूज दिखाई देगा, इंप्रेशन दिखाई देंगे। मेन मुद्दा होता है इंप्रेशन का। अब लास्ट 28 दिन में आपको कितना इंप्रेशन मिला है तो वो आप देख सकते हैं। 57,000 इंप्रेशन मिला है, जिसमें मुझे जो व्यूज मिला वो 4700 मिला है। यानी कि 57,000 इंप्रेशन में मुझे 4700 व्यूज मिला। और कितने दिन कितना इंप्रेशन मिला है यहाँ पे देख सकते हैं। इस दिन 4,000 इंप्रेशन मिला था 23 अगस्त को। इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से बैक आ जाऊँगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं मोर देन कितना यूजफुल आपका है। या आपको ये कभी कभी घटता है इंप्रेशन, कभी कभी बढ़ता है, तो मेरा ऑलरेडी बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा इंप्रेशन बढ़ रहा है मेरा कंटेंट के हिसाब से। यहाँ पे देख सकते हैं 408% की गति से यहाँ पे मेरा कंटेंट बढ़ रहा है, सॉरी यहाँ पे इंप्रेशन बढ़ रहा है। ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं और उसी हिसाब से मेरा व्यूज भी बढ़ रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है इंप्रेशन क्लिक थ्रॉक रेट। तो मेरा जो यहाँ पे क्लिक थ्रॉक रेट है इंप्रेशन का 6.7% है। यानी कि मेरे 100 बंदे में से मेरा 6.5 से 7 बंदे यहाँ पे देख रहे हैं हर वीडियो को, जो जिनको जिनको दिखाया गया है। तो अभी तो मेरे चैनल पे दोस्तों यहाँ पे सब्सक्राइबर कम है, तो यहाँ पे जो बंदे देखते हैं व्यूज कम है तो उससे ज़्यादा रिलेटेड क्लिक नहीं करते हैं, तो ये कारण रहता है। उसके बाद एवरेज व्यू ड्यूरेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपके पर वीडियो पे आपको एवरेज व्यूज कितना है। तो जैसे आपने 10 मिनट का वीडियो बनाया तो उसमें 2-3 मिनट एवरेज व्यूज यहाँ पे दिखाई दे रहा, तो 2 मिनट 18 सेकंड मेरा यहाँ पे दिखाई दे रहा। उसके बाद नेक्स्ट है ऑडियंस का ऑप्शन। कंटेंट में आपको सेम वही चीज़ है और कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। लास्ट 365 दिन में बेस्ट परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, टॉप मूवमेंट्स देख सकते हैं। यहाँ पे आपको टॉप मूवमेंट्स देखेंगे कि कितना आपको कितना यहाँ पे देख सकते हैं। 1 आवर ट्रांसलेशन में कितना आपको मिला है यहाँ पे, इस पर कितना, इस पर कितना ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्राइब में जो मैंने साइट बनाया था उसमें जो मेरा एवरेज व्यू जा रहा है वहाँ पे देख सकते हैं 7.28 डाल रहा है।
तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, टॉप मूवमेंट्स स्पीक से देख सकते हैं, डिप से देख सकते हैं, तो ये चीज ज्यादा रिलेटेड मायने नहीं रखता। उसके बाद नेक्स्ट है ऑडियंस का, ऑडियंस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं राउटिंग ऑडियंस व्यूअर होता है और एक न्यू व्यूअर, तो न्यू व्यूअर आप पे कितने आ रहे हैं और जो व्यूअर आप पे देख रहे थे वो व्यूअर आपके कितने देख रहे हैं ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जैसे मेरे यहाँ पे सब्सक्राइबर कम है तो यहाँ पे जो मेरे रेगुलर व्यूअर है वो कम दिखाई देंगे, वो जाहिर सी बात है। यहाँ पे देख सकते हैं रेगुलर व्यूअर में यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे 28, 30 यहाँ पे इस तरह का। लेकिन दोस्तों किसी भी चैनल पे उसके जो नए व्यूअर आते हैं उनसे ही उनका चैनल ग्रो होता है, क्योंकि जो रेगुलर व्यूअर होते हैं वो प्रॉपर नहीं देखते हैं। तो आप किसी भी चैनल पे जाएंगे, किसी भी चीज़ पे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे न्यू व्यूअर जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे बढ़ते घटते रहते हैं। यहाँ पे ये देखिए इस समय कुछ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आप यहाँ से भी आके देख सकते हैं कि मेरे व्यूअर यहाँ पे हैं। उसके बाद व्हेन योर व्यूअर ऑन यूट्यूब, यहाँ पे देख सकते हैं किस टाइम, किस समय आपके दिन में किस समय आपके व्यूज ज्यादा आ रहे हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 11 से 12 के बीच में आपके व्यूज ज्यादा आ रहे हैं और 5 से 6 के बीच में आपके व्यूज ज्यादा आ रहे हैं। इस टाइम में अगर जो आप वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको ज्यादा व्यूज मिलने का चांस रहता है। और यहाँ पे एज देख सकते हैं किस एज के लोग आपका वीडियो ज्यादा देख रहे हैं, तो 18 से 24 एज के लोग मेरे ज्यादा देख रहे हैं और 24 से 25 वाले भी यहाँ पे ज्यादा देख रहे हैं। उसके बाद कोई भी ऑडियंस यहाँ पे मेरा नहीं है। मेल कितने देख रहे हैं, फीमेल कितने देख रहे हैं, ये भी यहाँ से आप देख सकते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीन देश में मेरा रैंक कर रहा है, तो यहाँ पे इंडिया में 51% है, पाकिस्तान में 23% है और बांग्लादेश में 0.7% है, तो इस तरह का देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे सब टाइटल्स मेरे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे नो सब्सक्राइब, यहाँ पे 93% नो सब्सक्राइबर हैं और यहाँ सब्सक्राइब देख सकते हैं 6.7% है, यानी कि 100 में से 7 लोग मेरा सब्सक्राइब कर रहे हैं अगर जो मेरे चैनल या मेरे वीडियो को देख रहे हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ से क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑडियंस के बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल कर देंगे, यूनिक यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आएंगे और जस्ट ऑडियंस वाला इस कॉल करेंगे, तो रिकाउंटिंग व्यूअर आपको मैंने दिखा दिया। अब यहाँ पे यूनिक व्यूअर आप देख सकते हैं कि कितने व्यूअर यहाँ पे यूनिक हैं, तो देख सकते हैं मेरा जो यहाँ पे व्यूज़ है वही मेरे व्यूअर नए जो आ रहे हैं वो यूनिक व्यूअर मेरे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे सब्सक्राइबर आपको दिखाई देंगे सेम फंडा। तो ये पूरा चीज़ था दोस्तों आपके चैनल का एनालिटिक्स, तो इससे आपको ये चीज़ का फायदा होगा कि आप किससे रिलेटेड आपका चैनल पर जो व्यूअर हैं वो आ रहे हैं और किस पे ज़्यादा वीडियो आपका किस कीवर्ड पे किस चीज़ पे रैंक कर रहा, तो इससे आपका यही फायदा कि आप उसी से रिलेटेड वीडियोस बनाएंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। तो फिलहाल आपको पूरा समझ में आ गया होगा, यहाँ पे स्टूडियो आप पूरा समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो मैंने पहला वीडियो इससे पहले बनाया था कि यहाँ पे कैसे आपका क्यों आपका व्यूज डाउन हो रहा है तो उसको कैसे ग्रो करें वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद अभी इस चैनल एनालिटिक्स के बारे में आपको वीडियो एनालिटिक्स के बारे में बताऊंगा और भी बहुत सारे यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपको यूट्यूब पे बताऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर जो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।